sounds a little bit like poetry also. It's like, is it an art, a science, or a bunch of, you know, immense energy that you have on the screen? And what is that? I mean, basically, that's the topic. But we'll just extend it to another level, a little bit more conversation about news editors are the face of the channel. They create the impression what we have of media right now. It's all they have created because what we see, you know, they're the ambassadors of news, so as to say. Okay. So let me first take you a brief and ask you that first question. Is news, I think, start to read over there. Is news actually art, news anchoring, I would say, art, science, or just a bunch of energy that you need to go there and show and read out? I mean, how would you define it in your way, if you have to tell me? देखिए इस पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है और मैं अपनी राय पर आऊँ उससे पहले जो मौजूदा दौर में एंकरिंग हुई है उसमें मेरे ख्याल से साइंस इस लिहाज से है कि एंकर कितने डेसिबल पर चिल्लाए क्योंकि अगर घर में टेलीविजन चल रहा है और शौहर बैठकर डिबेट देख रहे हैं तो एंकर का डेसिबल लेवल ये होगा कि पत्नी जो किचन में भिंडी काट रही है वो इतने जोर से भर जाए कि अपनी भिंडी भी काट ले या सर शोर से पता है कि देख क्या रहे हो आवाज तो आ रही है तो साइंस इस लिहाज से आर्ट इस लिहाज से है कि आजकल आप डिबेट को अंत में कहाँ ले जाना चाहते हैं वो एंकर के ऊपर निर्भर करता है और वो उसी दिशा में पूरी बातचीत को घुमाते 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 वहां ले जाता है तो इसमें एक आर्ट भी है और ये दोनों करने में आपको एनर्जी मिलती है तो तीनों चीजें आज के एंकरिंग में है लेकिन मोटे तौर पर अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मेरे हिसाब से एंकरिंग टी सी से जुड़ी हुई है जिसमें कि कंटेंट होना चाहिए क्योंकि दर्शक जब एंकर को देखता है और उसके पास कंटेंट नहीं है बताने के लिए सिर्फ आप चिल्ला रहे हैं तो वो आपको पसंद करता नहीं करता मुझे नहीं पता लेकिन बात आप लौट कर आपके पास नहीं सकता अगर कॉन्टेंट नहीं है अगर आप बता रहे हैं करेज या निर्भीकता नहीं है अगर आप सवाल पूछते वक्त निर्भीक नहीं है आपको कई बार आपने देखा होगा कुछ इंटरव्यूज ऐसे हुए हैं जिसमें ये सवाल उठाए कि ये सवाल तो पूछ ही नहीं अलग अलग इंटरव्यूज के लेकर तो अगर वो नहीं है तो भी दिक्कत होती है और इसलिए वो होना भी बहुत जरूरी है और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है एंकरिंग में वो कनेक्ट है दर्शक और एंकर के बीच में एक टेलीविजन है हम उससे डायरेक्टली नहीं जुड़ रहे हैं लेकिन हमारा जो संवाद है अगर वो कनेक्ट स्थापित नहीं कर पा रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं क्योंकि दर्शक आपके माध्यम से वो दुनिया देख रहा होता है जो उसे नहीं देख रही वो जान रहा होता है जो उसके पास कैसे नहीं पहुंच सकता सोशल मीडिया होने के बावजूद तो ये तीनों का होना बहुत जरूरी है थ्री सीज इसका मैं कहता हूं कनेक्ट करेज और कंटेंट ये एंकर इज इन द लियास यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड वी आर गोइंग टू डू दिस आई विल से वन थिंग योर एंकरिंग शुड बी आइदर आर्ट और साइंस बट डेफिनेटली नॉट टू मच एनर्जी टू थ्रे व्हाट यू आर सेइंग इज जस्ट एनर्जी वी आर बी हाइपर एक्टिव एंकर जंपिंग इन द चेयर शाउटिंग स्क्रीमिंग एंड आई जस्ट सेड यू नो हराइंग एंड ट्राइंग टू ब्रीथ इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डेसिबल इट्स नॉट हु शाउट्स मोर द बेस्ट एंकर अनफॉर्चूनेटली दैट्स व्हाट्स बिकमिंग I will also say that you know, I really prefer the age of the faceless anchor because we are not the news. We are just someone who is the medium for you to get to the news. I invite 5 guests because they are the experts. Let's listen to what they say rather than what I have to say. So this whole era of windows where people are used to just wall hangings while the anchor sits and glorifies and sounds and screams, that's not news. That's just a tamasha. That's a show. It's like, you know, people like it because we like akhada, we like wrestling. So this is verbal wrestling. But then don't watch that. Don't pretend it's news, it's entertainment. So I totally disagree with the kind of news that is masquerading today. Secondly, he said, you know, the TV is in your bedroom, in your drawing room. We are invading the most intimate part of a person's house, his private space. So when we are doing that, we need to make a connect that is warm, welcoming and not threatening. We need to look at him in the eyes and make sure the person is listening to you, is believing you, is trusting you. Trusting you, putting you on in the line in his private space. Don't betray that trust, and also don't harass the body. I would say that. Sakshi, this has a small energy outside also. What is it? I mean, a bunch of energy. That's what we see. I mean, this is actually like 2 minutes, 200 news pieces. I mean, a spring. What is it? आगे लेकर जाने
कि आप वही सोच रहे हैं हमारे बारे में जो हम आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा इसके लिए हम खुद ही मुझे लगता है कल्प्रिट है। जैसे कि प्रिया जी ने कहा, आप ये सोचिए कि 30 मिनट का आपका शो है, उसमें आपके पास 12 मिनट होते हैं, और उसमें जो एक एंकर है उसका 5 मिनट लंबा सवाल है, उस 5 मिनट लंबे सवाल है, मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ, शीज द राइट थिंग, मैंने लोगों को वहां पर ओपिनियन जानने के लिए बुलाया है, उनको मैंने उनका तिरस्कार करने के लिए, इंसाइट करने के लिए बुलाया है। आजकल क्या हो गया, फाइट इस चीज पे हो गई, और आई थिंक व्यूअर भी ऐसे देखता है क्या लताड़ा यार, लताड़ने के थोड़ी बुलाया था, फैक्ट्स जानने के लिए बुलाया था, उसका ओपिनियन है, इनका भी ओपिनियन है, मेरा काम है दोनों का ओपिनियन सुनना, जहां मुझे लगता है मुझे फैक्ट चेक करना चाहिए वहां मैं फैक्ट चेक करूंगी, जहां मुझे लग रहा है कि कोई शख्स वैलिड पॉइंट कह रहा है भले ही वो मेरे ओपिनियन का ना हो, उससे मैं आपके डिस्कशन को आगे बढ़ाऊँ। 5 मिनट लंबा सवाल पहले पूछकर एंकर चिल्ला चिल्ला कर उससे जवाब देने की कोशिश करता है, उसको 5 सेकंड के लिए देता है, 5 सेकंड बाद फिर उसको इंटरजेक्ट करके फिर अपना 5 मिनट लंबा सवाल पूछ लेता है, और जब तक वो जवाब दे तब तक दूसरी विंडो पर चला जाता है। तो ये हमारा काम नहीं है, मुझे यही लगता है टू मच ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो मुझे लगता है किसी भी प्रोफेशन के लिए जरूरी है, नेगेटिव एनर्जी जरूरी नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी जरूरी है। आपने आर्ट और साइंस का हमें ये दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम तो चले जाते हैं, मैंने कभी ये सोचा था कि हम कोई आर्ट कर रहे हैं या साइंस कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लगा सुनने के टॉपिक में आपने हमारी एंकरिंग को आर्ट और साइंस का रूप दिया। पर आर्ट जो होती है कुछ हद तक मुझे लगता है कि हाँ एंकरिंग में आप ये कह सकते हैं, बट एवरी पर्सन डूइंग जर्नलिज्म कैन नॉट बिकम एन एंकर, इसका मतलब कुछ तो स्किल है एक एंकर बनने के लिए, और एवरी एंकर हैज टू बी अ जर्नलिस्ट, तो वो जो एंकर है उसके अंदर कुछ एक पर्टिकुलर आर्ट की जरूरत है। साइंस मुझे लगता है कि उतना नहीं है, साइंस की कोई जरूरत नहीं है उसके अंदर, इट्स नो रॉकेट साइंस, इट्स नो साइंस, इट्स जस्ट बीइंग व्हाट यू सी व्हाट यू रिपोर्ट, न्यूट्रल रहिए, दोनों की बातें सुनिए, मेरा तो ओपिनियन हो सकता है पर जब मैं वहां कुर्सी पर बैठी हूँ एज एन एंकर तब वो मेरा ओपिनियन मेरे ऊपर लागू होगा। बस ये कह रहा हूँ कि आपने रोहित भाई को कॉन्शियस कर दिया कि उनके सवाल अभी अपने सेकंड्स पर था। नहीं मैं अभी भूल गया ना, ओके निशान जी, हाउ डू यू सी दिस डिबेट बिटवीन आर्ट साइंस एंड एनर्जी, व्हाट इज इट गेटिंग ऑल अबाउट, आई मीन यू एज यू सेड राइट यू नो समवेयर 41। इंटरेस्टिंगली आई फर्स्ट वांट टू नो इट्स What made you think about this question? आपके जहन में ये सवाल आया कैसे? कि एंट्री इज एन आर्ट साइंस और प्योरली एनर्जी, व्हाट मेड यू थिंक अबाउट दिस? आई सी द हाई एनर्जी लेवल्स दैट आर देयर, ऑनेस्टली आई वांट टू नो व्हाट एनर्जी ब्रिंग दे एक्चुअली रिलाई ऑन, बट ऑनेस्टली दिस इज अ कन्वर्सेशन, वी वांट टू अंडरस्टैंड वेयर डस दैट स्टेम फ्रॉम, दैट पोलराइज्ड वर्जन, दैट हाइपर एनर्जी, व्हाट वेयर डस दिस स्टेम फ्रॉम, एंड इज देयर Is there an act? Is there a, you know, deliberate thing? Or is this a skill that is much needed in today's environment? Just trying to unravel that problem. So there are two parts of the questions. And basically, one, what exactly it is? That is it art, science, or purely energy? And the second part is as to why you see what you see now and how it is not what it was. That's exactly what we're asking. So, in dono sawalon ka jawab, I'll just define, because I was doing some homework before I walked into this place. How would you define art in television? It's basically art of being the voice of the people. I mean, it's an art that you become the voice because you've got an opportunity to be a medium from point A to point B, and you have to be the voice. TV pe aksar log, jaise Sakshi ne kaha, ladada hai, but wo gussa hota hai logon ka. People very easily relate to anchors who ask right questions. And what are right questions? Jo unke man mein sawal hote hain. And they're very simple, basic questions they want to ask. So I guess art is basically, it's about, you have to be voice of people. When it comes to science, I think science, the role of an editor comes into action. That is, science is the formula of knowing what can sell and what can get in the PR. Where will probably we are going wrong. Somewhere. And when it comes to energy, then I'm sure that most of the people here would appreciate the non-biased behavior
and non-biased sense of news in the olden days of Doordarshan. But I'm sure they'll appreciate the energy which the anchors now have. Otherwise, there was a website many years ago, it shut down. It's known as ananova.com. And there was a robot who used to read news, but it's no longer there. Because the moment an anchor is there, you want to feel that connect, you want to see that passion. Now answering your question, which is why you asked all that. I guess when it comes to shouting or being the competition of being used the loudest, what we all need to understand, aap sabhi log, jitne bhi log yahan par baithe hain, just raise your hand if I ask you one question. सड़क पे जब झगड़ा होता है तो कितने लोग रुक कर देते हैं प्लीज हाथ खड़ा करिए प्लीज एक बार प्लीज सर बहुत ध्यान से ना वाइट कलर रेड ड्रेस सड़क पे झगड़ा होता है तो आप देखते होंगे पक्का सबको नहीं देखते क्या ओके फाइन फिर ना बट हाउ मेनी ऑफ यू कैरी बैक थिंग्स फ्रॉम दैट फाइट हाउ मेनी ऑफ यू कैरी बैक थिंग्स फ्रॉम दैट फाइट उस झगड़े से आप घर में क्या लेके जाते हैं Maybe you should not fight, that's what you think, right? I'm talking about sarak pe public fight. You stop and see, right? So what we do on television is a public fight, isn't it or not? What we need to understand is, how many of our viewers have something to say? That's high energy. That's good enough. So, what we need to understand in absolute consciousness is whatever we are talking on screen, how many of our viewers are carrying back something back home? Now that's a big question when we are there as an anchor, we need to ask. This is exactly what is happening on social media. And mujhe bada viral joke aa raha hai ki jab bhi offline rehta hu parivar bacche tanha sabhi yaad aate hain online aate hi desh ki yaad aa jaati hai It's like you need to understand that what are you giving back to your viewer? Because what the role of an anchor is not just being an anchor. God has blessed you with an opportunity to be a representative, and you are nothing but an anchor. Trust me. I mean, we have a very esteemed politician sitting right in the front, and we are nothing more than that. We are just as mean. That's what I mean. Sure. People have got fed up of that.
that, which is why I'm saying more and more now people are saying, where is the conversation? Let's bring conversation back to the news. Let's get the news back on the table. So maybe there was a cycle. Tomorrow I was there, then came autumn of that peak. Now I'm hoping and I'm seeing the change also, that people are coming back to their conversation on the kind of news. Sushant, is there a pressure of performance on anchors every day? You know, we have to leave the journalist part aside. It's a dual personality. You are a performer and a journalist. Is that a clash in the mind of an anchor all the time? देखिए वो तो चूंकि चैनल पर भी दबाव है परफॉर्मेंस का तो एंकर्स पर भी होता ही है, इसलिए आप उसको दोनों चीज़ों को अलग करके नहीं देख सकते। लेकिन मैं प्रिया जी की बात से सहमत हूँ कि वो एक ग्राफ है जो क्योंकि मैंने डॉक्टर रॉय के साथ भी काम किया यूपी में, तो वहाँ से शुरू होकर फिर वो अन्य भी आप दूसरे लोगों के नाम ले रहे हैं उनके साथ होते हुए ऊपर गए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि कई बार बीच में एक दौर ऐसा था मेरे लिए, मतलब बाकी साथियों के साथ ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन एडिटर्स बुलाकर आपको बोलते हैं कि यार तुम बहुत ठंडे डिबेट कर रहे हो, उसको भी बोला वो कैसे चिल्लाता है, वो वाला मजा नहीं आता। अब ये मजा देने के लिए तो बैठे नहीं है, मजा के लिए अलग चल रहे हैं हम, वहां बैठे हैं कि सवाल पूछने के लिए, जो निशान भाई ने कहा और जो मैंने कहा था कनेक्ट होना चाहिए। वो कनेक्ट तभी होगा जब दर्शक को लगेगा ये वही पूछ रहा है जो मैं पूछना चाह रहा था, और वो धीरे धीरे पूछा जा सकता है। आप भी मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं धीरे धीरे पूछ रहे हैं, आप चाहें तो मेरी सवाल चिल्ला के पूछ सकते हैं, ये हुआ कैसे बताइए, तो वो अपनी एक सोच हो सकती है। और ये कई एडिटर सोच दिया है कि थोड़ा और मिला हो। अब ये हमें परफॉर्मेंस के साथ साथ इस बात का भी निर्णय लेना होता है कि क्या आप वहां पर धुकी टेक में ये कहते कि ठीक है मैं जाता हूँ जाता हूँ, या फिर आप एक दौर में आ जाते हैं कहते हैं कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरी आवाज इतनी ऊंची जा सकती है, मेरे सवाल पीछे होने चाहिए, मेरी आवाज इतनी नहीं होनी चाहिए। तो वो एक चैलेंज रहता है कि आप अपने एडिटर को अपने चैनल को कैसे समझाएं, और ये अलग अलग चैनल में होता है। तो वो परफॉर्मेंस के साथ साथ ये प्रेशर मुझे लगता है ज्यादा होता है, जो धीरे धीरे जो प्रिया कह रही थी कि धीरे धीरे मुझे लगता है वो कम होगा या चेंज होगा। एक जैसे हिंदी सिनेमा में आपको याद होगा कि पेड़ों के बगल में नाचना एक दौर था, अब रियलिस्टिक सिनेमा का दौर है, तो बहुत जोशीले एंकर्स का एक दौर था, मुझे लग रहा है वो धीरे 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 कम हो जाएगा और फिर हम एक कई बीच के स्तर पर आ जाएंगे। चाय पीना है साक्षी, when do you see this, the pressure of performance? Do you think there's a deliberate attempt to sensationalize and appear more than, what you call, journalists, you know? Is there a, that kind of pressure exists in TV actually? Have you agreed to that? मेरे साथ नहीं हुआ है ना, मैंने करने की कोशिश की, क्योंकि एवरी डे शायद मैं अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करती हूँ, मेरा किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है। मेरा एक अपना स्टाइल, निशांत का अपना स्टाइल है, निशांत आपकी एवरी बात, हम जिस तरह से बोलते हैं हमें कोशिशें करनी है, हम जैसे बोलते हैं, मैं अभी आपसे जैसे बात कर रही हूँ, मेरी सच में ये कोशिश होती है कि जब मैं एक्टिंग कर रही हूँ मैं ऐसे ही बोलूँ, ऐसे ही दिखती हूँ, मैं मुझे लगता है मैं आपसे बेहतर कनेक्ट कर पाऊँगी, मैं वहीं पर एक्टिंग करने लग जाऊँगी। आजकल क्या होता है, ज्यादातर मैं लोगों को देखती हूँ, अगर उसको फीमेल एंकर्स हो या कुछ हो, उसका सारा ध्यान एक्टिंग में होता है, बाल कहाँ निकल रहा है, बालों को संवारते हुए होता है, यहाँ पर मैं अच्छी लग रही हूँ, अचानक से दो फ्रेम लेते हुए अच्छा किया आपको ठीक नहीं आ रहा है, आप इतना ध्यान वहाँ पर रहते हो, आप सफाई कैसे करोगे, आप उसकी बात सुन भी रहे हो या आपने 10 तरह के लिंक पहन लिया रील दिखा रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि एक्टिंग का दौर कुछ ज्यादा है इस वक्त, इसी वजह से शायद आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, अपने आप को पूरे अपने चैनल से अपनी खबर से ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश है। मुझे कोई भी खबर होती है जब मैं कुछ बता रही हूँ या रिपोर्टर से भी पूछ रही हूँ, आज तक मेरे मुंह पे नहीं आया कि मैंने आपको इसी में बुलाया है, हमने बुलाया है, मैंने नहीं बुलाया, हमने बुलाया, इट्स ऑलवेज हम, पता नहीं हम का मैंने बदल गया, मुझे नहीं पता ये मैं आजकल इतना हो गया है, जब जब एंकर ये लगता है ये पूरी पूरा चैनल को चलाने वाला फिगर हो गया है कि बस यही है। तो वही जैसे प्रिया जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि अपनी न्यूज से बड़ा करने की कोशिश जब एक एंकर करने लगता है वहां पर सबसे ज्यादा डिस्कनेक्ट होता है, वहां पर आपके ऊपर आरोपी सीखता है, वो सब आपको नहीं दिखाना है, जितना आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं उसकी झलक आपके अंदर आनी चाहिए बाई एंकरिंग। कोई बहुत बड़ी आर्ट किसके नहीं है, मुझे ये लगता है कि जैसे मान लीजिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, कहीं पे आग लगी, ठीक है, कहीं पे आग लगी,
used if it is subtle, it is more information, less performance? Do you think people actually would watch it? Or we are stuck in that rut? So, you know, ironically, we have classified the timelines of a news channel. Vis-a-vis the ratings we are getting and what is selling best. So, A, you feel that maybe at this time debate is important, and maybe at this time fast news or something else will sell. And if you put, because again, it's like a rat race. So, if a news be subtle, any news, well, news is all about admin. Let's not forget that. This has been old school, this is how it is. कवर करने जा रहे हैं, कवर बनने नहीं जा रहे हैं, बड़ी पुरानी बात थी. तो सो एनी विच वे यू वॉक इनटू एनी न्यूज़ रूम एंड यू वॉक इनटू एनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर यू विल फाइंड द डिफरेंस. न्यूज़ रूम इज फुल ऑफ एड्रेनलिन एंड इफ इट इज नॉट देन इट हैज टू हैव एड्रेनलिन. आई रिमेंबर दैट ब्यूटीफुल बुक द फिश एंड इट ओनली टॉक्स अबाउट हाउ यू कैन मेक अ वर्क प्लेस एज अ फिश मार्केट बिकॉज़ इट्स अ वेरी इंट्रैक्टिव वेरी वन ऑन वन काइंड ऑफ थिंग. सो इट हैज टू हैव energy. Taking a cue from your question. But whether it will sell or not, you're talking now if you're talking about anchors, the anchors starting from here to what chal payenge and nahi chal payenge. I somehow feel I'm very old school. Yes, I mean there are points where you have to raise your voice to ask someone to speak to our. I'll give an example. But a real example is kal aur aaj subah ka. Kal shaam ko aur aaj subah ka bhi jo mere saath hua. तो एक जर्नल साहब है कंगाल प्रॉपी इन इंडस्ट्री. एक जर्नल साहब है और वो जर्नल साहब काफ़ी चीखने चिल्लाने के शौकीन हैं और काफ़ी मशहूर भी हैं इसके लिए. तो वो कल आ गए हमारे शो में. अब उस तरफ पाकिस्तान के एक साहब बैठे थे और इट्स लाइक अ ट्रैप. द मोमेंट यू शाउट दे शाउट बैक एट यू बट द मोमेंट यू आस्क अस क्वेश्चंस दे हैव नो आंसर्स टू. सो इफ यू रेडी विद योर फैक्ट्स. Say for instance, we're talking Masood Azhar, and you know your facts, that Masood Azhar ne kab kaha Pakistan mein kya kaha. Pakistan has no answers. They'll run for covers, which actually that guess was true. But ye jo jalal sahab the, ye bade mashhoor hain chillane ke liye. To na jaane kya samajh mein aaya, he was very happy ki Pakistan wale jo guest hain, Pakistan mein corner hone meri debate hai. Unhone usko jaadu bol diya. Show ke zarur. मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूं, मैं ऐसे शब्दों को बर्दाश्त नहीं करता. एंड माय गन्स वर डायरेक्टली पॉइंटिंग टुवर्ड्स माय ओन जनरल राव द पाकिस्तान का बिकॉज़ आई वुड नॉट अलाउ हिम टू यूज एनीथिंग व्हिच इज अन पार्लियामेंट्री. ये यहीं पर यूं कहो कि शायद गीदड़ भी बोल दिया. फिर इन्होंने इंतहा तक कर दी. जब इन्होंने हमारे जनरल साहब हमारे हिंदुस्तान से थे, उन्होंने कहा कि मैं तुमको जूते मारूंगा. देयर आई सेड इनफ. आई सेड अब आप शांत हो जाइए, अब मैं आपसे बता रहा. तो सोशल मीडिया पे तो मेरे खिलाफ विजयी हूँ, लेकिन वो जो पाकिस्तान वाले साहब बैठे थे उनको बहुत अच्छा ऑर्डर मिल गया. अभी तक वो बगले छा रहे थे, अब उनके साथ दिक्कत भी होगी. अब वो वहां से हंसने लगे थे. वो कुछ नहीं कह रहे, वो हंस रहे और मुंह चढ़ा. इट्स लाइक माई जनरल हु इज राइट, इंडियन फोर्सेस आर सो राइट. ही इज मेक मेक यू नो व्हाट ही इज डन इज एब्सोल्युटली स्टूपिड. अब मैं उनसे क्या बोलूं, रिटायर्ड जनरल साहब. इत्तेफाकन मैं उनसे कुछ बोल पाता, मैंने थोड़ा शोर शांत किया, पाकिस्तान वाले से सवाल पूछना बंद कर दिया. कुछ समय के बाद मुझे उसका जवाब दे नहीं सके. आज सुबह को फिर पलट हो गया मेरे शोर और आज सुबह उन्होंने मुझ पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया. आई हैव टू टेल यू, मैंने उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था इसके साथ. मैं आप देख भी सकते हैं ऐसे यू टॉकिंग अबाउट वॉर 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 आई अंडरस्टैंड वॉर इज द फाइनल रूट टू इट बट बोथ आर यूजलेस थिंग्स. And no longer we are into the conventional war kind of a situation with any country whatsoever in whatever part of the world. Until unless it is America or somebody is like as downtrodden as Iran or something. So when I said, "Is it good?" Yeah, then I was pretty concerned. Then I had to tell him, I said, "Sir, you're embarrassing yourself. I'm just asking a question. I'm not an advocate of Pakistan. I'm asking a basic question." और उन्हीं के बगल में एक और जनरल साहब आए, उन्होंने भी जवाब दिया. तो जो आपका सवाल है, न्यूज सर्कल हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. बट न्यूज में पैशन तो जरूरी है, लेकिन थिएट्रिक
जरूर इम्पोर्टेंट. पैशन इज इम्पोर्टेंट, टैक्टिक्स इज नॉट इम्पोर्टेंट. सो आई विल, दिस इज माय जस्ट यू कैन हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज. ऑफ कोर्स दिस इज माय फाइनल क्वेश्चन एंड आई लाइक टू यूज एंड दिस इज 10 सेकंड आफ्टर दिस 10 सेकंड. डू यू सी, व्हेन यू सी न्यूज एंकरिंग गोइंग इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, you know, this digital years, you know, reading is coming back, you know, humpe bahut saturation point bhi aa gaya, same, you know, every news channel at prime time looks similar, you know, 20 windows and all that. I mean, where do you see this going in the next 2 to 3 years? Quickly, 10 seconds. 10 सेकंड में पता नहीं कहाँ जा रही है अभी तो मुझे नहीं पता इसका जवाब सच में मेरे पास नहीं क्योंकि ये हम लोग कई न्यूज रूम में डिबेट करते हैं चर्चा करते हैं कि ये जो चल रहा है ये कैसे कहाँ जा रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हम वापस जो दौर था उसमें लौटेंगे थोड़ा सटल होंगे और चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी. सोशल मीडिया का इम्पैक्ट मुझे लगता है. प्रिया आपके सवाल का जवाब एक छोटे से मोमेंट से है. आप सभी लोग आज घर जाके अभी थोड़ी देर के अंदर अपने फोन में गूगल करें द डिक्लाइन ऑफ ग्लेन बैंक. फॉक्स न्यूज के बहुत बड़े एंकर हुआ करते थे. तीन चार साल उनका शिक्षा बड़ा चला. आज शायद नौकरी नहीं एग्जैक्टली हो रहा है. थैंक यू सो मच. आई मीन वी हैव जस्ट ओवर 1 मंथ.